अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बच्चो चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच बना रही हूँ मैं, और वो भी बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाने वाले, जो कि हम बच्चों को लंच में भी अक्सर देना ज़ाहिर चाहते हैं कि वो हेल्दी फूड होता है, कि बच्चे अंडे नहीं खाते हैं कुछ, तो वो अंडे भी सूरत में खा लेते हैं। तो देखिए जी, फटाफट मैं बनाती हूँ इसको। जो माएँ अक्सर परेशान रहती हैं कि हम अपने बच्चों को सुबह लंच में क्या दें कि बच्चा हंसी खुशी खा ले उसे, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगा आपके बच्चों को। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अंडे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। तो ये देखें, क्लब सैंडविच के लिए आपको ब्रेड होनी चाहिए आपके पास, मेयोनीज़ होनी चाहिए और बटर होना चाहिए और काली मिर्च और नमक पिसा हुआ, शहद होना चाहिए। स्टिंग की बोतल में आप शहद देख रहे हैं, ये ओरिजिनल शहद है, मैंने मंगवाया है तो इसलिए आप लोगों को इस बोतल में नज़र आ रहा है, क्योंकि वैसे तो आजकल पता ही नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बस ये कि दिल की तसल्ली होती है कि कोई कहता है कि नहीं हमारे यहाँ ओरिजिनल है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहीं से मंगाएँ। बस ये सामान चाहिए, और अंडे तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। तो बस अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सारे मिक्सचर को हम कैसे तैयार करके और स्लाइस पे लगाते हैं। अच्छा, इसमें मैं कोई वेजिटेबल वगैरह नहीं डालूँगी। अंडे छिल चुके हैं और ये मैंने एक चम्मच बटर भी ले लिया है। अब ये काली मिर्च और नमक है, ये आप अपने अंदाजे से ही डाल लें। बाकी मेयोनीज़ है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून पड़ेगी। बस अब हम इन तीनों चीज़ों को मैश कर लेंगे, मेयोनीज़ को, काली मिर्च, नमक को, अंडों को और बटर को। वेजिटेबल मैंने आपसे कहा था कि मैंने नहीं डाली है, क्योंकि अक्सर बच्चे, अक्सर नहीं बल्कि ज़्यादातर ही बच्चे मतलब पसंद ही नहीं करते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हो जो उनके मुंह में आए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डाला है। देखिए, मिक्सचर इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसको हम ब्रेड पर लगाएंगे। देखिएगा मैं किस तरीके से स्लाइस के ऊपर हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है सुम्बुल, आपने मुझसे बहुत काफ़ी टाइम से कह रही थी कि प्लीज़ आप कोई ऐसी चीज़ बताएं कि मैं फटाफट सुबह बना लूं, जो बच्चे मेरे हंसी खुशी खा भी लें और वो ज़रा ऐसा हो के बच्चों को कुछ ताकत भी मिले, जैसे कि बच्चे हमारे अंडे नहीं खाते हैं। तो ये ख़ास आपके लिए मैंने सोचा कि चलो देखिए कितने कम टाइम में ये तैयार हो गया है। अच्छा, आप लोग चाहें तो इस तरह से भी इसको कवर कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मीठा मांगते हैं कि भाई मामा कुछ मीठा हो उसके अंदर, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये हनी बताया था शहद के, फिर आप इसकी एक लेयर लगा दें। अच्छा, मेरे बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं लगा रही ब्रेड पर, लेकिन आप लोगों को अगर बच्चे बोलें तो आप लोग एक शहद की लेयर लगा सकते हैं, तो वो उनके मनपसंद सैंडविचेस में आ जाएगा। देखिए जी, बच्चों के लंच के लिए जो हमने क्लब सैंडविच बनाए थे वो बिल्कुल रेडी हैं, और कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।